ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज़, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज़ के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता ने अपना दम तोड़ दिया है। केंद्रीय पीड़िता ने मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली है। बता दें कि चार दरिंदों ने 19 वर्षीय एक लड़की से गैंगरेप कर उसकी जीभ काट दी थी और यहां तक गला घोट कर उसकी हत्या भी करने की कोशिश की थी। इस दौरान पीड़िता अपने आप को बचाने के लिए लड़ती रही, लेकिन आखिरकार मंगलवार को वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। साथ ही विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा और इस घटना को एक कलंक बताया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत को अंजाम देने वाले आरोपी दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया था कि 14 सितंबर को हुए गैंगरेप के मामले में चारों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि गांव में ऊंची जाति के लोगों ने उन्नाव कांड जैसा हश्र करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 48 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसी दौरान कोरोना के 3,227 नए मामले भी सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 2.75 लाख के पार हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए लगभग 59,000 RT-PCR और एंटीजन टेस्ट किए गए। वहीं दिल्ली में लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल पूरी दिल्ली में 2,505 कोरोना कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सिसोदिया कोरोना वायरस से संक्रमित थे, साथ ही उन्हें डेंगू की शिकायत भी थी। मंगलवार को मनीष सिसोदिया की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फिलहाल डॉक्टरों ने सिसोदिया को एक सप्ताह तक घर में ही आराम करने की सलाह दी है। देश में कोरोना को लेकर पैदा हुए हालात और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR ने कई चौंकाने वाले आंकड़े देश के सामने रखे हैं। ICMR की दूसरी नेशनल सिरो रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 तक 10 साल से ज्यादा की उम्र का हर 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती की मंगलवार को हुई मौत को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश और सरकारों के लिए शर्म की बात करार देते हुए दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की। केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, हाथरस की पीड़िता की मौत पूरे समाज, देश और सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है। बड़ी दहशत की बात है कि इतनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और हम अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। IPL के 13वें सीजन का 11वां मैच दिल्ली कैपिटल्स BC और सनराइजर्स हैदराबाद SRH के बीच मंगलवार को अबू धाबी में खेला गया। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम को जीत के लिए सनराइजर्स ने 163 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट खोकर 20 ओवर में 147 रन ही बना पाए।